इंडियन सो लेट्स हैव द टूर ऑफ होल यूनिवर्सिटी कैंपस काफी बड़ा एरिया है लेट मी शो यू स्पोर्ट्स हेल्थ सेंटर कितनी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ ऐसा कैंपस मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक बिकॉज इन्होंने लिटरली पूरा इन कैंपस सिस्टम बना रखा है होल कैंपस इज एट वन प्लेस विल गेट द हॉस्पिटल द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉस्टल्स एंड विंटर से वरना काफ़ी ग्रीनरी रहती है यहाँ पर तो आप अभी सामान लेके जा रहे हो खाना बना सकते हो यहाँ पे राइट विच वन इज योर हॉस्टल लास्ट वन ये तीन हॉस्टल है यहाँ पे टोटल ये उज़्बेकिस के लिए ये भी लोकल स्टूडेंट्स के लिए लास्ट वाला वो इंडियंस के लिए ओके तो रहने में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आती है यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इन कंट्रीज में कि आपको किचन मिल रहा है फ्लोर पे सीरियसली अब नए किचन से आओ नीचे न्यू किचन से और स्टडीज कैसी है अच्छी इंडियन स्टूडेंट्स कितने होंगे टोटल टोटल तो यहां पता है लेकिन कई सौ हैं और नाइस किचन्स हैं हॉस्टल के अंदर फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग हियर आई एम सो एक्साइटेड टू सी दैट Indian? Yeah, Kerala. Did you go to India recently? Yeah. Okay, where are you from? Kerala. Kasaragod. Which year? Second year, India. Okay, so you are studying here from the first year only, right? Yeah. No transfer students. Okay. So how is the university? Good. And you know Hindi? Yeah, not Hindi. Okay. So you cook here yourself or you have mess? Both the options are there. You can cook also? Nice. Thank you. So guys, this is the kitchen. Unexpected in Uzbekistan. Electric kitchens hain. लाइक यूक्रेन में जैसे थे वी यूज टू कुक एंड चिमनियाँ उनसे बेटर ही हैं ये किचन्स ऑनेस्टली कुक कर सकते हैं एंड दे हैव प्रोवाइडेड थ्री फ्रिजेस एक फ्रिज है ये बेसिन है मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी एक ही कैंपस में यूनिवर्सिटी और एक ही कैंपस में हॉस्टल And the best part is you can cook also. You're in which year? First year. Beautiful place. तो यहाँ पे कैसा लग रहा है कि means how's the environment and study curriculum? Study भी अच्छा है और सारा अच्छा है. City अच्छा है क्या? आपने देखी है city पूरी? Yes yes. कौन सी जगह यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है? लेके चलो यार मेरे को. मैंने देखा नहीं है. And hostel में? Can I see your rooms? Yes. If you don't mind. गंदा नहीं है ना रूम तो दिखाओ तुम्हारा रूम देखो प्लीज नॉक द डोर सी गाइस दिस इज अनप्लान्ड विजिट एंड यू कैन सी द रूम How nicely they have capoos, cupboard, and four room hai na ye? Like for four people, four bed. And this is the background. चल दे तुम्हारी. कौन सबसे बढ़िया पढ़ता है यहाँ पे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई कैसे चल रही है बस बढ़िया है अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है
फिजियो की क्लास थी अभी आज। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था? आज टॉपिक था ब्रीथिंग का, रेस्पिरेशन सिस्टम, इसके बारे में आज प्रेजेंटेशन देके आए। ओके, तो यहाँ पे हर क्लास में प्रेजेंटेशन होता है या फिर टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडीज के लिए? हर क्लास में होता है, क्लासेस होती हैं, एक लेक्चर क्लासेस, एक प्रैक्टिस क्लासेस। लेक्चर क्लासेस में टीचर आपको वो समझाएगा, टीच करेगा, और प्रैक्टिस क्लासेस में आपसे पूछेगा, वो प्रैक्टिस क्लास में आपको प्रेजेंटेशन। तो जो प्रैक्टिस क्लास होती है वो कहाँ पे होती है फिर? वो भी उसी क्लास में। अच्छा, पहले वाइवा लेते हैं फिर वो प्रैक्टिकल पूछते हैं? प्रैक्टिकल। ओके, तो सिमुलेशन सेंटर्स वगैरह में गए हो आप? है, गए हैं, बहुत बार गए हैं। क्योंकि आप तो अभी सेकंड ईयर में ही हो ना? नहीं, फर्स्ट ईयर। आप सभी फर्स्ट ईयर में हो? सब फर्स्ट ईयर। सिमुलेशन क्लासेस में लेके जाते हैं आपको, तो वहाँ पे अभी तक क्या सिखाया है एज इफ नाउ? वो एक मतलब बेसिक एक नॉर्मल विजिट होती है, उसमें हमने फर्स्ट ईयर का क्या बोल रहे थे? फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, उनका इतना कोई रोल नहीं होता। उज़्बेक हिस्ट्री, लैटिन लैंग्वेज एंड उज़्बेक लैंग्वेज, तो इनमें कोई मतलब हॉस्पिटल विजिट का कोई काम नहीं है, और आईटी ये सब एग्जाम होते हैं। बाकी हाँ, वो ये सब्जेक्ट जो है ना वो यूक्रेन में भी होते थे, फर्स्ट ईयर के अंदर होते हैं, बिकॉज ये टेंथ के बाद में सीधा मेड स्कूल्स में जाते हैं ना। बाकी सेकेंड सेमेस्टर जब शुरू होता है तो आपकी विजिट भी शुरू होती है, और आपका थोड़ा लैब वर्क भी शुरू होता है। नाइस, एंड आई हैव गॉट टू नो दैट आई फाउंड वन Ukraine returned student as well. He is in, you're in which year? Fifth year. Okay. So when did you come here? कौन सी year में आया था? From China. Fourth year. He took transfer. And he took transfer from China. China. Okay. So you both are in same group. Yes. Same year, right? Same group, same year. Same. तो आप यूक्रेन में कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? Vinnytsia National Medical University. Vinnytsia. Okay. I'm also from Vinnytsia. तो अभी आप 19 बैच के हो ना? 2019 में. यहाँ पे कब आए थे? यूनिवर्सिटी बेसिकली। यस यस। सो ओके, तो यहाँ एक ऑनेस्टली मुझे बताओ, ठीक है, आई नीड योर ऑनेस्ट रिव्यू कि यूक्रेन की जो विनीत्सा यूनिवर्सिटी थी और ये जो बुखारा यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा? पढ़ाई अच्छी है यहाँ पे, honestly। अच्छा, क्लिनिकल रोटेशन अच्छी है यहाँ पे, ये सब एक्सपोजर ज्यादा। क्लिनिकल का ये आपको बता सकते हैं क्योंकि एक्सपोजर बताते हैं इनको एक्सपोजर के साथ। You are more happy here in case of clinical exposure. Every day, every day we went to hospital, see patient, operation. OPD जाते हो? ओके, तो यहाँ के पेशेंट है वो तो रशियन बोलते होंगे? रशियन, फिर टीचर साथ में रहते हैं, टीचर हेल्प कर देते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विनीत्सा के मिलेंगे यहाँ पे। नहीं, बहुत है हमारे ग्रुप में, तो 8-10 है बच्चे, 20 में से तो 10 बच्चे विनीत्सा से हैं। और दूसरी चीज है कि यू गाइस आर सैटिस्फाइड अबाउट क्लिनिकल रोटेशंस, कि इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं होता क्लिनिकल रोटेशंस वगैरह में? वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है आपके एफएमजी प्रिपरेशन के लिए? प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना, उससे तो बुक रीड करके क्या ही फायदा। अच्छा, तो आप जो थ्योरी पढ़ते हो यू कैन अप्लाई है। और पेशेंट फ्लो कैसा है यहाँ पर? पेशेंट फ्लो ठीक है, अच्छी है ना, ज्यादा बहुत सारी डिपार्टमेंट्स, बहुत ज्यादा है ना हॉस्पिटल, अब जैसे गायनी की हो गई, गायनी की 3 हॉस्पिटल है, एक ही पेशेंट पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक ही पेशेंट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो कैसे? वो टाइम लेंगे आपको, वो केयर रोटेशन तो इनका लगता ही आपको बताएंगे, मतलब वो दिल में भले ही आपको 10 पेशेंट हो लेकिन आप वहीं ही रहोगे जब तक। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आप सर्जरीज भी देखते हो? ठीक है, मुझे ये बताओ पीडियाट्रिक सर्जरी कितनी बार देखी है आपने यहाँ पे? पीडियाट्रिक 3 बार देखी थी, गायनी में 4-5 बार, सी सेक्शन में भी गया, नॉर्मल डिलीवरी में भी गया। अच्छा। सर्जरी जब नॉर्मल सर्जरी क्लास तो उसमें हेमाटोमा थी, ये सारी चीजें। नाइस, क्योंकि मैं और भी यूनिवर्सिटीज में गया था, समरकंद में गया, मैं टीएमए में भी गया था, लेकिन यहाँ दिल खुश हो जाएगा, ये सब फैट रिमूविंग सर्जरी सब देखा हमने, अच्छे से पढ़ाई करना होती है फिर यहाँ पढ़ सकता है, बहुत अच्छा। आप प्रमोशन कर रहे हो यूनिवर्सिटी को? प्रमोशन मुझे क्यों करना है, मुझे बस डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, यूक्रेन में भी हो सकती थी अच्छी थी, लेकिन कोविड वॉर ये सब के भी चक्कर में नहीं मिले उतनी हमें एक्सपोजर। सही है। तो और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश किस लेवल के बोल लेते हैं? अच्छी अच्छी बोलते हैं टीचर, अच्छे बोलते हैं।
इसमें तो मैं बोल सकता हूँ, इसमें तो बोल सकता हूँ कि प्रिंस अच्छे बोल रहे थे बिकॉज़ ये जो टीचर्स भी ले रहे हैं ना, आई थिंक वो आइल्स हमारी मैम अभी गाने की मैम just in front of the hostels, this is the playing area. So guys, this was the part 2 of Bukhara State Medical Institute campus tour. I hope you liked the video. If you liked the video, then subscribe my channel, share with your friends, and we'll meet in next video. Till then, goodbye, take care, and study well.